देवेंद्र जेबाबाग कंटोनमेंट इंचार्ज ने मेडिकल टीम, मुकामी पुलिस कांस्टेबल और मुकामी मजलिस लीडर्स मोहम्मद शाहीन और सैयद हनीफ के हमराह जेबाबाग कंटोनमेंट एरिया का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लेते हुए अवाम को दी जाने वाली सहूलियात के इंतजामात का मुआयना किया। लिमिट्स के अंदर जेबाबाग एरिया है, इसमें एक केस पॉजिटिव आने की वजह से इसको पूरा कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया और वो एक केस डेड बॉडी एक्सपायर्ड हो गए थे, उन्होंने बाद में पॉजिटिव बोल के डिक्लेयर हुआ। उसमें ऑलमोस्ट वो मौतें में तकरीबन 200 से लेकर 200 लोग अटेम्प्ट हुए थे, जिसमें सभी लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया, नेचर क्यूर, कुछ लोगों को सरोजनी हॉस्पिटल में। उसके बाद उसमें 10 केसेस कुछ पॉजिटिव आए, 1% टोटल 11 केसेस कुछ पॉजिटिव आए। इसके बाद बाकी के सब लोगों का निगेटिव आने की वजह से 120 to 130 मेम्बर्स पूरे रिटर्न आ गए। उसके बाद बहुत ही एहतियात के तौर पे इसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने के बाद टोटल कर्फ्यू का वातावरण अंदर जो है डिक्लेयर किया गया और अंदर से कोई भी बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और ना कोई बाहर से अंदर जा सक रहा। बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस को रोकने के तौर पे बहुत ही एहतियातन उन लोगों को अंदर रोका गया और कर्फ्यू का उनकी हेल्थ के लिए कर्फ्यू का वातावरण पूरा क्रिएट किया गया। उसमें अब तक ऑलमोस्ट 10 तो डिसीज एक्सपायर हो गए, अब 10 केसेस फिलहाल पॉजिटिव बताया जा रहा है। इधर मैंने क्या दिए है, बाकी के जो 120 लोग हैं वो सब लोगों को घर में क्वारंटाइन कर दिए। उन लोगों को वो जो भी चीज़ लाइक किराना सामान जो भी होना उन लोगों के लिए अपना GHMC का तरफ से एक SFA लगा है इधर, उनके सपोर्टिंग में और दो स्टाफ लगाए 24 आवर्स। उन लोगों को जो भी सामान चाहिए जस्ट अपने को एक बार फ़ोन करे तो हमारे आदमी अंदर जाते हैं, जाके उनको क्या क्या होना वो सब लिख लेते, लिख ले के फिर किराना स्टोर को जाके ला के दे देते। वो लोगों को बाहर आने का मना है और वो लोग बाहर नहीं आ रहे। अपना आदमी जो भी चाहिए सर्विसेज हम लोग GHMC की तरफ से प्रोवाइड को कुछ इन्फॉर्मेशन तो हायर ऑफिसर से इंस्ट्रक्शंस नहीं आए कि कंटेनमेंट कितने दिन में निकलना बोल के। अभी जो चल रहा वो जो उसका सिम्टम्स बता रहा है 28 डेज के तक बता रहा है, ऐसा बोलने को आ रहा, ऐसा न्यूज़ में आ रहा। इसीलिए हो सकता है कंटेनमेंट जोन मे बी गोस अप टू 28 डेज। अभी उसके बारे में कुछ डिसीशन नहीं हुआ, डिसीशन आया तो आप लोगों को बता दें। के लिए छानबीन के लिए हमारे आशा वर्कर्स काम कर रहे रेगुलरली, अगर किसी को टेम्परेचर बढ़ गया या फीवर आया कुछ कॉफ आया तो उन लोगों को वो 108 को फ़ोन करके और उन लोगों को हॉस्पिटल को लेके जा रहे हैं।